आप देख रहे हैं मंदाकिनी टाइम्स, मैं हूं वेत्रकाश शुक्ला। आइए रुक करते हैं आज की ताजा बड़ी खबरों की। चंपत हमीरपुर से सनसनीखेज खबर सामने निकल आ रही है, जहां से डबल मर्डर का एक मामला सामने आया है। इस वाकये में चाची और भतीजे का शव अलग अलग कमरे में मिला है। पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी से पुलिस बल मौके पर मौजूद, दोनों का शव कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दो मर्डर हुए, क्या मामला है, क्या? जरिया थाने का खेड़ा शिलाजीत गांव है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली, यहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई है दो लोगों की। यहां मौके पर आने पर पता चला कि एक घर में एक महिला जिनका नाम संतोषी है, पत्नी ब्रिजेंद्र, उम्र 35 साल, उनकी डेड बॉडी एक घर के अहाते में मिली, जिसमें कोई रहता नहीं था, उसमें सामान वगैरह रखते थे। और इनकी दूसरी डेड बॉडी 25 साल के थे सत्येंद्र, उनके पशुओं का जो घर है उसके अंदर बरामदे में मिला, घुसते ही बरामदे में मिला। दोनों के परिवार वाले तहरीर दिए हैं, इस पर पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई है। गांव में जानकारी की जा रही है किस तरह से घटना हुई है, कुछ सूचनाएं मिल रही मामला अवैध संबंधों से संबंधित कुछ गांव में चर्चा है इसका, और महिला के बच्चों ने भी इस तरह का बताया कि उस लड़के से महिला की बातचीत होती थी। और जो मृतक सत्येंद्र हैं उनके पास एक मोबाइल मिला है जिसमें सिम नहीं है, वो महिला का मोबाइल है, इससे प्रतीत होता है दोनों केस कनेक्टेड हैं आपस में। इसमें और भी जाँच की जा रही है।